अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आई हुई थी कज़न के घर पे, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना था हॉस्पिटल, और मैं यहाँ बना रही थी चाय, और ये कज़न लेकर आई है कप, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर की थी कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, ठीक है। मिसकैरेज होना यानी कि कॉमन सी बात है, हर किसी के साथ हो सकता है, मसला अल्लाह ना करे किसी दुश्मन के साथ भी हो। लेकिन बस वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं कभी भी अपनी बातें यहाँ पर लेकर नहीं आने चाहती थी यूट्यूब पर। सिर्फ मसला ये था कि मेरे साथ एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा ये मसला हो चुका है। मेरे पहले दो बच्चे सही सलामत हुए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और अब सेकंड टाइम मिसकैरेज यानी कि दो मिसकैरेज। तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी औरतें हैं, काफ़ी वुमेंस हैं जिनके साथ ऐसा कोई मसला हुआ होगा। तो ना तो मेरे पेरेंट्स हैं, ना ही मेरी कोई सिस्टर हैं, ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरी कोई बहन है। तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग मेरी कोई हेल्प कर सकें, मुझे कोई गाइड कर सकें, मुझे किसी अच्छी डॉक्टर का बता सकें, मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे सकें। सिर्फ मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद ये था, और कोई मकसद नहीं था। मैं अपने आप को यहाँ पे लेके नहीं आना चाहती थी, लेकिन सिर्फ मजबूरी और हालात की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ मुझे मेरी बातों का, मसले का हल बता दें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरा दुख समझ सकते हैं। एक माँ ना हो तो एक बेटी के लिए कुछ भी नहीं होता दुनिया में, मेरी माँ ही मेरी सब कुछ थी।